कई दिनों से आंधी तूफान देश भर के कई राज्यों में कोहराम मचा चुका है और अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आंधी तूफान का कहर कल रात को भी देखने को मिला, जिसमें तबाही का मंजर दिखा। बता दें कि बीते दिन आई भारी आंधी तूफान ने बारिश में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 3 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ आंधी और तेज बारिश आने की संभावना जताई है। तो बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो देर रात तेज धूल भरी आंधी और मौसम बिगड़ गया। जानकारी के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धूल भरी आंधी चली। आंधी आने के कारण कहीं दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए बिजली की आपूर्ति को रोक दिया गया। इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं बात करें गुरुग्राम की, तो अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद चली धूल भरी आंधी ने सबको हैरान कर दिया और राजधानी दिल्ली में तापमान की गिरावट भी दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि पिछली बार जब तेज आंधी तूफान आया तो यूपी में 18 लोगों की जान ले गया और नुकसान हुआ वो अलग, जबकि 27 लोगों को घायल भी कर दिया था। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।